This conference will now be recorded. आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग, और हमारे साथ सुरेंद्र जी हैं जिन्होंने डायरेक्ट वीवी को सपोर्ट गाइड किया है, और इनकी आज ये दूसरी क्लास है। तो सुरेंद्र जी, हम आपके साथ आज ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक्सेल वीवीए के लिए एक्सेल को आना क्यों जरूरी है। यस सर, हमारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर मुझे एक्सेल थोड़ा आता है, हम डायरेक्ट वीवीए करेंगे, लेकिन आपको एक्सेल पर परफेक्ट नहीं है तो वीवीए को भी आप परफेक्ट नहीं कर सकते। करेक्ट अब सर, इसमें कुछ बच्चे जो है कुछ बच्चे पूछते हैं कि नहीं सर जरूरी नहीं है, तो चलिए मैं वही उसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेटा है, एक बेसिक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। डेटा है, मैं एक बड़ा सा डेटा ले लेता हूं। अब ये डेटा है, अब इस डेटा पे कुछ भी करने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम माउस से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो वीवीए में हम माउस तो नहीं चलाएंगे, या वीवीए में हम लिख सकते हैं रेंज A1 से लेके H18। सुरेंद्र जी, आपके बैकग्राउंड का शोर आ रहा है, प्लीज माइक को म्यूट कर ले, जब पूछना होगा तो अनम्यूट कर लीजिए, थैंक यू। तो यहाँ पे हमें एक पूरा एरिया सिलेक्ट करना है, तो जनरली हम माउस से सिलेक्ट करेंगे, लेकिन मुझे ऑटो सिलेक्ट करना है, क्योंकि माउस से सिलेक्ट करेंगे तो एक एरिया फिक्स है, तब तो वीवीए के थ्रू माउस तो नहीं चलाएंगे, क्योंकि वीवीए में तो जाके लिखेंगे कि रेंज A1 से लेके H18 डॉट सिलेक्ट, इस कोड को लिखना पड़ेगा ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फिर ये फिक्स हो जाएगा ना, हम ऑटो चाहिए हमें। तो जैसे हम एक्सेल में क्या करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं। अब कंट्रोल ए हमने जो किया, अब ये कंट्रोल ए जरूरी नहीं है कि हम वीवीए के थ्रू जाकर लिखे कि कंट्रोल ए करें। अब मुझे इस बात का पता होना चाहिए कि जो हमने कंट्रोल ए किया उसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन कहाँ पर है, क्योंकि हर हर एक शॉर्टकट का ऑप्शन है। जैसे कंट्रोल सी का देखिए यहाँ कॉपी है, कंट्रोल वी का यहाँ पेस्ट है, ऐसे कंट्रोल बी बोल्ड का यहाँ पे देखिए बोल्ड है। तो ऐसे हर जगह पे यहाँ पे हमारा कंट्रोल ए का ऑप्शन क्या है, तो तभी तो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता होती, कहाँ है, फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल, और गो टू स्पेशल में आपका ये होता है करेंट रीजन, क्योंकि एक एरिया को सिलेक्ट कंट्रोल ए का काम करता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मुझे बात को पता रहेगा तब लिखूंगा ना रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट सिलेक्ट, नहीं पता है तो नहीं लिख पाऊ। चलिए तो छोटी सी चीज है, चलिए एक और हम लाइव प्रोजेक्ट करके दिखाते हैं आपके साथ। मेरे पास नाम है पूजा, रवि, नीरज, कविता, मोहन, ऐसे कुछ नाम हमने लिख दिए, और इस नाम को हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, और यहाँ पे हम सेल्स डालते हैं, और यहाँ हम अपना एक रैंडम वीडियो फॉर्म लगा के कुछ रैंडम नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक डेटा है जिसमें रैंडम नंबर है, और हमारे जो नेम्स है दे आर रिपीटेड। अब मुझे दूसरे सीट पे या इसी सीट पे, यहाँ हम नेम लिखते हैं और यहाँ मुझे सेल्स चाहिए, तो
यहाँ हमें अगर यहाँ पे जाइए कि पूजा का टोटल सेल्स क्या है, तो हम लोग वी लुकअप यूज करेंगे कि वी लुकअप, और इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे कॉमा 2 कॉमा 0, ये हमारा वी लुकअप आ गया। पर प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ एक नाम दिया, पूजा यहाँ भी तो है 66, अमेरिका सम चाहिए तो सम भी लगा लेंगे, बट मुझे सम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि वो 55 कॉमा, फिर यहाँ पे पूजा आता है नीचे 66 कॉमा, इस तरह से। तो हम ये जो वी लुकअप है इसी को हम वीबीए में यूज कर सकते हैं, इसी मेथड को। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हाँ वी लुकअप से पॉसिबिलिटी नहीं है, देन वी यूज द वीबीए। यहाँ पे मेजर बेसिक रूल्स मैं यहाँ पे फॉर्मूला ही बना देता हूँ। फंक्शन रिपीटेड आर लुकअप कर देता हूँ, आर लुकअप और एन एज ए मैं रहता हूँ वेरिएंट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आर एज ए रेंज और सी एज ए लॉग। अब मैं आर लुकअप का फॉर्मूला यहां लगाऊंगा इक्वल आर लुकअप, और हमने इसको सिलेक्ट किया और फिर हमने दी रेंज को सिलेक्ट कर और हमने यहाँ पे 1 दिया कॉलम। देखिए अभी रिजल्ट 0 आएगा क्योंकि हमने हमने अपने फॉर्मूला में कोई कैलकुलेशन नहीं किया, हम जस्ट जस्ट हमने फॉर्मूला डिक्लेयर किया। हमने फॉर्मूला जस्ट डिक्लेयर किया। अब यहां पे हम देंगे सिंपल सा कि डिम के एज ए रेंज रेंज एंड फॉर इच के इन आर इफ के डॉट वैल्यू इक्वल टू एन, देन यहाँ पे एक रिजल्ट के लिए चाहिए तो डिम टी एज ए स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने कर दिया टी इक्वल टू के डॉट ऑफसेट, और यहाँ पे हमारा 0 रो एंड कॉलम सी हो जाएगा, तो कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है और वैल्यू, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगा, इसमें कंबाइन होगा पी की वैल्यू के साथ हमने यहाँ पे कॉमा। और यहाँ पे एंड इफ और नेक्स्ट के, नेक्स्ट के। अब यहाँ पे हम आर लुकअप पे इसकी रिजल्ट का साइन कर देते हैं, आर लुकअप इक्वल टू हमने दे दिया पी। ठीक है, अब संदेश सोच रहे होंगे कि एक क्या लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये नहीं समझा रहा हूं कि ये कैसे बना है, मैं समझा रहा हूं कि इसमें एक्सेल की किस किस फीचर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पे आप देखिए आपके सामने सारे रिजल्ट्स आ गए। तो सबसे पहले हमने देखा कि वी लुकअप हमने हमारा नहीं हो रहा है, देन हमने वीबीए इस्तेमाल किया। अगर मान लीजिए कि ऐसी फैसिलिटी वी लुकअप से ही आ जाती तो फिर हम ये फंक्शन क्यों डिफाइन कर, जरूरत ही नहीं थी। तो पहले यहां पे एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ हमारा काम एक्सेल से हो रहा है, तो हम वीबीए प्रोग्रामिंग क्यों डिसाइड करें, क्यों राइट करें, नहीं देन वीबीए प्रोग्रामिंग राइट करें। अब यहाँ पे देखिए एक कॉमा फालतू में लगा हुआ है, तो इस कॉमा को कैसे हटाएंगे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है राइट का, आर आई राइट, जो कि राइट से नंबर निकालता है। तो हमने बोला कि इसकी जो कंप्लीट लेंथ है इस लेंथ में से -1 कर दें, और फिर आप देखेंगे कि आपके सामने रिजल्ट है। अब यही फीचर हम एक्सेल में लगाने दें या फिर वीबीए में लगा दें, यहाँ जहां पे हमने पी दिया हो यहीं पे, क्योंकि राइट फॉर्मूला वीबीए को भी सपोर्ट करता है। राइट पी हमने यहां बोला कि लेन लेन फॉर्मूला भी वीबीए को सपोर्ट करता है -1। तो
हमने जो प्रोग्राम बनाया इसमें लुकअप वाला मेथड वीवीए का हमने लिया, लेकिन बाकी चीज का मेथड हमने एक्सेल का ही कॉपी किया। आप देखिए यहाँ सर, पे इसमें हमारा प्रोग्राम बोले क्या बोले। सर उसमें एक एन करके आया ना, वो एन क्या था सर? देखिए यहाँ बताता हूँ, हमने जो फॉर्मूला डिफाइन किए तो फॉर्मूला ने इनपुट दी। तो आप लोग मैथमेटिक्स यूज करते हैं ना सर, मैथमेटिक्स पढ़े होंगे। तो हाँ जी मैथमेटिक्स में हम लोग लेते हैं ना एक्स वाई जेड, तो उसी ठीक है तरह से हमने यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिए। हमने बोला है कि एन एज ए वेरिएंट, आर एज ए रेंज और सी एज ए लॉन्ग। मतलब जब फॉर्मूला लगेगा, जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगा तो ये जो जी फोर की वैल्यू पूजा है ये एन पे स्टोर हो गई। तो पूजा इक्वल टू एन, और फिर ठीक आर पे है। एक रेंज असाइन हो गया कि आर इक्वल टू रेंज ए इक्वल टू A12, और ये जो वन है ये सी पे साइन हो गया, तो वन इक्वल टू सी। और इसी को यहाँ पे ले लिया, बोला कि फोर इच आर के इन आर और इफ के डॉट वैल्यू इक्वल टू एन, मतलब कि इक्वल टू पूजा, समझे? ऐसी हो तो पूजा की आगे वाली वैल्यू जो सी है ना हमारा सी, उसकी वैल्यू को पी के साथ कंबाइन कर दे। और जब क्योंकि पहली बार पी ब्लैंक है इसलिए कॉमा एक आ गया फालतू में, यहाँ पे हमने लगा दिया भाई एक कम उठाए। ठीक है सर, कोई ठीक है सर। सर डाउट इसमें? हेलो, ठीक है सर। अब चलिए इसमें एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। तो मेरे पास करीब चार पांच डेटा है, हम बात कर रहे हैं मल्टी शीट वी लुकअप की। तो यहाँ पे आईडी है और यहाँ पे नेम है और यहाँ पे सेल्स है। सर सर एक जो प्रीवियस डाटा में एक टोटल सर कैसे हो सकता है उसमें? जैसे हमने कॉमा डाल के सब फिगर बैठाया, उसमें टोटल हाँ हो सकता है कि? टोटल तो सिंपल सा सम इफ ले लीजिए, वो तो है हमारे पास। ये तो हम यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सम इफ एक्सेल का फीचर है, इसको अप्लाई कर लीजिए, ले लीजिए टोटल हो जाएगा। समझ गए ना? ठीक है ओके। यही यही आपको यही है कि अगर आपके पास एक्सेल की नॉलेज रहेगी तो आप तुरंत बता लेंगे कि हाँ इसका यूज है। अब वरना आपको क्या करना होता, फिर वीवीए में जाके टोटल वाले कोड डालने पड़ते, अब यह डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ओके सर, अंडरस्टूड। या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो कि मुझे ये और यहाँ पे इक्वल टोटल चाहिए क्या, तो हाँ जी यहाँ पे मैं ये इसको उठाता हूं मैं। देखिए इसको उठाया, कट किया, इसको देख ठिकाना डाल देता हूँ और यहाँ पे पी इक्वल टू डाल दिया, राइट? और फिर पी इक्वल टू पी के साथ हमने स्पेस स्पेस, और इसके साथ हमने सम इफ का फॉर्मूला आप लिखिए, सम डॉट डॉट फॉर। फंक्शन सम इफ डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है वीवीए को, तो हम सम इफ फॉर्मूला वर्कशीट फंक्शन से कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे चाहिए रेंज, तो रेंज हमने बोल दिया, हमारा रेंज क्या है, रेंज है रेंज है के। एन अच्छा नहीं आर 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 है रेंज, आर है आर है ओके। रेंज। इसने मैच क्या करना है, तो मैच करना एन को। और यहाँ पे एक दिक्कत आती है सम, क्योंकि सम रेंज जो है वो हमारा किसका है, के का है, आर की अगली वाली वैल्यू सेल्स है। समझ गए? आर की यस सर। अगली वाली वैल्यू है हमारा, तो आर प्लस वन होगा कि आर ऑफसेट? नहीं नहीं ये प्लस माइनस इसमें नहीं होगा, हमें यहाँ पर रेंज चाहिए, ए वन बी वन सी वन जो होता है ना उस तरह। हाँ जी नहीं तो इतना, हाँ तो इसमें दिक्कत है ना, तो हम दूसरा मेथड अपना लेते हैं, यहाँ पे टी कर देता हूँ।
मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ कि डिम टी एज ए लॉन्ग, और फिर यहाँ टी इक्वल टू टी प्लस वन ए डॉट ऑफसेट 0.2 सी डॉट वैल्यू, समझ गए? और यस यहाँ पे आ जाएगा आर, यहाँ पे आर लुकअप इक्वल टू पी। अब यहाँ पे हम अपने सेल पे जाते हैं, ठीक है सर? ओके सर। समझ आ गया। अब अगले कंसेप्ट को देखते हैं, हम यहाँ पे आईडी रहते हैं। हाँ, आईडी है हमारे पास, आईडी प्लस प्लस वन, ठीक इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। अब इसमें यहाँ पे हो जाएगा 14, यहाँ पे हो जाएगा 27, यहाँ पे हो जाएगा 40 और यहाँ पे हो जाएगा। और फिर मैंने पूरे सीट को सिलेक्ट किया, कॉपी इस एरिया कॉपी करता और इसी के ऊपर पेस्ट वैल्यू करता ताकि हर किसी का फॉर्मूला रिमूव हो जाए। अब यहाँ पे हम देते हैं डेटा। अब मैं यहाँ पे आईडी डालता हूँ और यहाँ पे सेल्स डालता हूँ। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि मैंने आईडी इसको सिलेक्ट किया और हम सेल्स में चले गए और कॉमा 2.0 राइट। लेकिन आईडी का मान लीजिए 17 हुआ तो फिर तो ये सीट 2 से होगा। तो मल्टी सीट वीलुकअप के लिए हमने एक्सेस में कहता हूं कि मैं इफ एरर देता हूं कि इफ एरर, और फिर हमने यहाँ पे मैं दूसरा वी लुकअप लगा देता हूँ दूसरे शीट से। वी लुकअप इसको सिलेक्ट किया एंड कॉमा शीट टू पे चले गए और इसको कॉमा टू टू में चले गए होगा ना, 3.0। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास बहुत सारे शीट्स है तो यहाँ पे बहुत सारे इफ एरर फॉर्मूला लगाने पड़ जाएंगे। तो तीसरी सीट के लिए मान लो अभी यहाँ पे मैं कर देता हूँ 29, 29 नहीं है, फिर तीसरी सीट के लिए हमें यहाँ पे वापस इफ एरर एक लगाना होगा और फिर लास्ट में तीसरा वी लुकअप लगाना होगा और इसको सिलेक्ट करना होगा और फिर तीसरे पे जाना होगा, तीसरे का रेंज लेना होगा, कॉमा 3.0 ब्रैकेट क्लोज करके बाहर आना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि इसमें दो ही सीट हुआ तो फिर फॉर्मूला एरर मिलेगा क्योंकि उसका तीसरा सीट इसको मिलेगा नहीं। सो मैं चाहता हूं कि भाई जितने भी सीट्स है, मेरा डेटा सीट सबसे लास्ट में है और जितने भी सीट्स है सबका सबको देखे और ये जिसमें मिलता है उसकी वैल्यू यहाँ उठा, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं मल्टी सीट वीलुकअप। तो फंक्शन एमएस लुकअप मल्टी शीट लुकअप। अब यहां पे हम देते हैं एन एज ए
वेरिएंट बस, और यहाँ पे सी एज इट, तो डेटा रेंज सबका फिक्स है, तो हमें रेंज देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम देते हैं कि फोर आई इक्वल टू 1 2 शीट्स, जितने भी शीट्स है डॉट काउंट माइनस वन, क्योंकि लास्ट वाले शीट में तो डेटा है हमारा, इसलिए हमने कर दिया एक कम। और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे डिम रिजल्ट के लिए आर एज ए वेरिएंट, और कुछ नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ कि आर इक्वल टू, अभी लुकअप डायरेक्ट तो इसको सपोर्ट करेगा नहीं क्या, तो यहां पे हम देंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट वी लुकअप, और इसमें लुकअप वैल्यू हमारे हो जाएगी एन, और रेंज हो जाएगा सीट्स आई डॉट रेंज ए से लेके सी तक डॉट डॉट इन, सही, और फिर हमारा सी और कॉमा जी, और फिर ऐसे। अब यहाँ पे दिक्कत है कि अगर जिस सीट में वो नहीं मिला वो एरर देगा, और ये जो आर है वो एरर को रिसीव नहीं करेगा, एनए का रिसीव नहीं करेगा, तो यहाँ पे हमें एरर हैंडलिंग लगाना पड़ेगा कि ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। अब सही है, अब लास्ट में एम एस लुकअप इक्वल टू आर, यहां पर देखिए फॉर्मूला लगा के एम एस लुकअप, एम एस मल्टीशीट लुकअप बिता ना, अच्छा हमने बेसिकली क्या है कि हमने प्रोग्राम लगा दिया है बुक वन में, और हम अप्लाई कर रहे हैं कहाँ पे, बुक टू में, इसलिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा है। तो आप एक काम और कर सकते हैं कि fx पे चले जाएं और यहाँ यूजर डिफाइन पे आए, तो यहाँ पे आपको दिख जाए, देखिए बुक वन ओपन होना चाहिए, अब उसको ओके किया मैंने, हमने बोला कि ए और कॉमा में हमने दे दिया थ्री, जीरो है क्योंकि इसने कॉमा दे दिया ना, इसलिए ऐसा नहीं, ऐसा कर दिया, रिजल्ट 42 आ गया। सुरेंद्र जी कुछ समझ में आया ही नहीं, सुरेंद्र जी हाँ सर, समझ में आया सर। तो बेसिकली ये आज के सेशन देने का पर्पस ही था ताकि आप समझ सके कि वीबीए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका एक्सेल, समझ गए, क्योंकि एक्सेल वीबीए जो है कुछ मतलब कि वो एक्सेल बहुत सारे जगहों पे एक्सेल की फीचर्स जो है, देखिए इसे हमने वीलुकअप इस्तेमाल किया वो एक्सेल का ही फीचर था, यहाँ हमने राइट लेन भी इस्तेमाल किया और एक्सेल का फीचर था क्या, तो ऐसे बहुत सारे जगहों पे आपको एक्सेल के फीचर्स आएंगे। ठीक है, ठीक है सर, तो मैंने आपको जो रिकॉर्डिंग भेजी है ना सर, अभी वो 4 घंटे की रिकॉर्डिंग है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ओके कर दूंगा कि कोर्स को स्टार्ट होने से पहले उस रिकॉर्डिंग को एक बार आप देख लें तो ठीक रहेगा। हाँ ओके ठीक है सर, मैं देख लूंगा सर, आज ही देख लूंगा सर। तो उसको देख लीजिए,